शक्ति योजना ने लईने मुख्य प्रधान भूपेन्द्र पटेल संबोधन करी रह्या छे, सांभळीए। स्टार्टअप रैंकिंग में गुजराते सतत बे वर्ष बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट नो किताब मेळ्यो छे। देश की विकास यात्रा में गुजरात अग्रेसर छे। गुजरात देश नु ग्रोथ एंजीन छे, मॉडल स्टेट पण छे। मोदीजीए चीतेला मार्गे चालवानी संपूर्ण प्रतिबद्धता गुजराते केळवी छे, जेनुं ताजेतरनुं उदाहरण छे लीड इंडेक्स। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान ने अनुरूप परिवहन माळखुं, लॉजिस्टिक सुविधा, सरल अने हेजेबल फ्री ट्रांसपोर्ट थी गुजरात आ इंडेक्स में अग्रेसर रह्युं छे। लॉजिस्टिक इज एक्रोस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स में गुजराते हेड्रिक लगावी छे। छेल्ला त्रण वर्षथी लाख लगाट प्रथम आव्युं छे। गुजरातनी विविध क्षेत्रनी सिद्धिओ सम्मानित करवा बदल अमे भारत सरकारना आभारी छे। आ प्रोत्साहनथी देशनी विकास यात्रामां नवी ऊर्जा अने वधु तेज गतिथी सहभागी बनवानी प्रेरणा गुजरातने मळी छे। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लाननी आ फ्लेगशिप योजनाने परिपूर्ण करवाना प्रयासोमां गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, दमण अने दीवने झोनल लेवले एक मंच पर लावा बदल हॉट शिपिंग अने वॉटरवे मिनिस्ट्री नो हूँ आभार मानु छु। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी तेमना कार्यकाल की शुरुआत थी देश ना विकास ने देश की प्रगति ने एक नवी गति अने दिशा पूरी पाड़ी छे। 13 ऑक्टोबर 2021 ना रोज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान जाहिर कर्यो, त्यारथी गुजरात उत्साहपूर्वक आ अभियान में जोड़ावा आतुर छे। मारू मानवू छे के केन्द्र सरकार नी आ दूरदेशी योजना रोड अने रेलवे, वॉटरवे अने ऊर्जा जेवा आंतरमाळखाकीय क्षेत्र में विकास में महत्वनो भाग भजवशे। प्रधानमंत्री श्रीए आत्मनिर्भर भारत नो जे संकल्प कर्यो छे तेमा नेशनल मास्टर प्लान नवी दिशा आपशे। आप सौ उत्साहभेर आ कॉन्फरन्स में जोड़ाई जे सहकार आप्यो ते जोता लागे छे के आपणे साथे मळी गतिशक्ति योजनाना निर्धारित लक्ष्य ने जल्दी थी पार करीशुं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास थी एक भारत श्रेष्ठ भारत साकार करीशुं। आवनार समयनी जरूरियातोने ध्याने राखी अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करवा आगामी 25 वर्ष माटेना टार्गेट पीएम गतिशक्ति प्लान में सेट करवामां आव्या छे। ते आपणने पण आपणा फ्यूचरलिस्ट ग्रोथ माटेनो दिशा निर्देश आपे छे। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नो विकास, गामडाओमां 4G नेटवर्क, नेशनल हाईवे नुं 2,00,000 किलोमीटर जेटलुं विस्तरण, 220 नवा एरपोर्ट, हेलिकॉप्टर अने वोटर एरोड्रोम नुं निर्माण, 2025 सुधीमां देशनी कार्गो कैपेसिटीने 1,759 मेट्रिक टन सुधी लई जवानी अने 17,000 किलोमीटर लांबी नवी गेस पाइपलाइनो नाखवी आ एक आयोजन छे। गतिशक्ति प्लान अंतर्गत निर्धारित तमाम प्रकल्पों भारत ने विकास ना मार्गे हरणफाड़ भरतू करी देशे, एमा कोई शंका नहीं। आ योजना में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी नो अगत्यनो आयाम उमेरवानी प्रधानमंत्री श्री दीर्घदृष्टि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सर करवामां नव बळ आपशे। लॉजिस्टिक सेक्टर ने बूस्टअप करवा माटे आ एक अगत्यनुं पगलुं छे। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी थी लॉजिस्टिक सेक्टर की एफिशियंसी वधशे, खर्च घटशे अने वैश्विक स्पर्धा में आपणे टकी शकीशुं। गुजराते आ महत्वता समझीने देश की प्रथम एवी गुजरात इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एंड लॉजिस्टिक्स पार्क पॉलिसी 2021 बनावी छे। गतिशक्ति प्लान साथे सुसंगत आ पॉलिसी उत्पादनोना भाव घटाड़वामां अने उत्पादकोने वैश्विक स्पर्धामां टकी रहेवा मददरूप बनशे। रोड, रस्ता अने रेलवे परनुं भारण घटाड़ी जलमार्गोने वधु उपयोग करवानी हाई लॉजिस्टिक, कोस्टल अने लो एफिशियंसीनी प्रश्न हल थई शके एम छे। देशना आंतरमाळखाकीय विकासमां गति लावा माटे मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट एक अगत्यनुं परिबळ छे। देशना अर्थतंत्रने તે સીધી અસર કરે છે। ભારતનો વેલ્યુની દ્રષ્ટિએ 68% અને વેલ્યુની વોલ્યુમની દ્રષ્ટિએ 95%
માલ સામાન જળ માર્ગે પરિવહન પામે છે. 1600 કિલોમીટર લાંબા દરિયા કિનારો ધરાવતું ગુજરાત દેશનું 40% વધારે કાર્ગોનું સંચાલન કરે છે. સરકાર લોજિસ્ટિક ક્ષેત્રમાં આધુનિક ટેકનોલોજી લાવી તેને કાર્યદક્ષ બનાવવા માટે કટિબદ્ધ છે. અમે ગુજરાતના બંદરોને અપગ્રેડ કરી રહ્યા છીએ અને નવું મૂડીરોકાણ પણ મેળવી રહ્યા છીએ. ભારત સરકારે પોર્ટ કોમ્યુનિટી સિસ્ટમ, મેજર પોર્ટ ઓથોરિટી બિલ જેવા કાયદાકીય સુધારા કરી લોજિસ્ટિક ક્ષેત્રને ગતિ અને શક્તિ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેનો લાભ ગુજરાત લેવા સજ્જ છે. આ પ્લાન તહેત દેશની મેરીટાઇમ કાર્ગો કેપેસિટી 2025 સુધીમાં 1759 મિલિયન મેટ્રિક ટન કરવાનો નિર્ધાર છે. ગતિશક્તિ નેશનલ માસ્ટર પ્લાન અંતર્ગત દેશના તમામ રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગો પર કાર્ગો મુવમેન્ટ વાર્ષિક 74 મિલિયન મેટ્રિક ટનથી 95 મિલિયન મેટ્રિક ટન સુધી લઈ જવાનું લક્ષ્ય